वेलकम यू ऑल टू डेक्कन सुल्तान सिटी गुलबर्गा। आप सबको गुलबर्गा शहर यानी बहमनी सुल्तानों के शहर में गुलबर्गा में आप सबका इस्तकबाल है और स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गुलबर्गा का पोर्ट है जिसे दक्कनी सुल्तानों ने यानी डेक्कन सुल्तानों ने बहमनी किंगडम ने इसको बनाया था। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह ने इसकी बुनियाद रखी थी। यहाँ पर एक खूबसूरत सा किला और कई सारे बुर्ज हैं जिस पर कैनन यानी तोपें भी रखी गई हैं। डेक्कन सुल्तान 1345 से 1525 के बीच में इनका यहाँ पर राज हुआ करता था। ये काफ़ी मजबूत किला इन्होंने बनाया था जिसके सराउंड बुर्ज हैं जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। आए हम इसको आपको अंदर में ले जाते हुए इसकी खूबसूरती और इसके सभी मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ का ये मेन एंट्रेंस है और इसी किले के सामने आज भी खंदक मौजूद है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये काफ़ी मजबूत किला था, बहमनी किंगडम द्वारा बनाया गया। बहमनी किंगडम अलाउद्दीन खिलजी के ख़त्म होने के बाद में अब यहाँ पर इनका हुकूमत जारी हुआ, यानी अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत उस दौर में साउथ में सभी जगह थी, उसमें बीजापुर और गुलबर्गा, बीदर वगैरह सभी आता है। जहाँ पर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में गवर्नरों को मुकर्रर किया था, खिलजी सल्तनत ख़त्म होने के बाद में उन्होंने अपने आप को इंडिविजुअल यानी कि इंडिपेंडेंट घोषित करते हुए अपना ही अलग अलग राज्य बना लिया। उनमें से एक ये डेक्कन सुल्तान है। ऐसे ही आदिलशाही भी जो बहमनी किंगडम से टूटकर अलग हुई थी। फिलवक्त हम आपको दिखाएंगे बहमनी सुल्तानों का ये किला। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस का आर्च और अंदर में ये जो बना गया आर्चेस हैं, ये काफ़ी खूबसूरत मेन एंट्रेंस गेट है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये यहाँ का एक बुर्ज है जहाँ पर तीन कैनन यानी तोपें रखी गई हैं। काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया किला और कैनन रखने के लिए यानी तोपें रखने के लिए बुर्ज वगैरह बनाए गए। आज तो यहाँ पर इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, यानी कि टूटी फूटी हालत में ये सभी किले और ये बुर्जें मौजूद हैं। आगे मैं आपको यहाँ पर एक जामिया मस्जिद और एक छोटी सी मस्जिद और तोपें वगैरह मौजूद हैं उनके बारे में भी अगले वीडियो में यानी अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। फिलवक्त आप इसका व्यू देखिए। ये काफ़ी ऊंची जगह पर यानी कि कुछ ऊंचाई के ऊपर तोहफे रखने के लिए बुर्ज की तामीर की गई है, जो यहाँ से तोप दागने के लिए यानी कि इस किले की प्रोटेक्शन के लिए इतनी ऊंचाई पर इन कैनानों का यानी आगे आप देखेंगे वो तोपों को रखा गया था। आज यहाँ पर टूटा फूटा सभी किले और ऐसे बुर्ज मौजूद हैं जिसे अनदेखा कर रहे हैं लोग। यहाँ पर भी तीन आर्चेस उस दौर में मौजूद थे जो आज टूट चुके हैं, जो आगे आप देखेंगे। यहाँ पर कुल तीन कमानें थी जो इसका
छत प्रोवाइड करती थी। ये देखिए वो पहली आर्च है जो मुकम्मल उस दौरान में थी, आज टूट गई। उसके बाद में दूसरी और आगे तीसरी है। यहाँ पर बंद किया गया है, आए हम ऊपर जाएंगे और बुर्ज का नज़ारा देखेंगे। ये देखिए जहाँ से हम ऊपर आए उस आर्चस को देखते हुए, ये देखिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पर कुछ सिपाहियों को रुकने के लिए इंतज़ाम वगैरह किए गए हैं और 3 कैनोन यानी बुर्ज रखने के लिए भी बनाया गया था। ये आगे आपको ये जो तोप दिख रहा है, यहाँ पे आगे बुर्ज दिख रहा है, ये एशिया का सब में बड़ा तोप यहाँ पर रखा गया। आगे हम वीडियो में आपको तफसीर से बताएंगे, फिल वक्त आप ये देख लीजिए। ये यहाँ का सब में पहला कैनन है जो आप देख रहे हैं। ये देखिए और ये दूसरा, कुल मिलाकर यहाँ पर 3 कैनन रखे गए यानी तोपे रखे हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रही है वो यहाँ की किले की यानी गुलबर्गा की जामिया मस्जिद है, उसे भी मोहम्मद शाह ने बनवाया था उनकी दौरे खिलाफत में। ये देखिए वो तोप रख कर घुमाने के लिए यानी निशाना दागने के लिए बनाया गया ये स्टैंड है जो आपको दिख रहा है। काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्ट का नमूना और ये खूबसूरत सी जामिया मस्जिद। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें मेल करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया।